आप बताइए कि आपकी अब तक की इंडियन आइडल की जर्नी की सबसे फेवरेट मेमोरी क्या रही है? सर, सबसे ज़्यादा फेवरेट मेमोरी मेरी जब हमारे सेट पे एलपी कॉन्सर्ट हुआ था, 50 म्यूजिशियंस थे। मेरे को इंडियन आइडल द्वारा एक मौका दिया गया कि मैं उस बैंड का हिस्सा बनूं और 51वां शख्स मैं बना उसमें, और मैंने साथ में प्ले किया, तो मेरे लिए सर ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं सिंगिंग से पहले अगर मैं सिंगर नहीं होता तो मैं तबला ढोलक बजाता। अच्छा, गिरीश दादा को बचपन से देख रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है दादा, और बहुत फॉलो करता हूँ। क्या बात है गिरीश, क्या बात है, क्या बात है। सर का हाथ कैसे जाता है ऐसा, और सर का हाथ ऐसा कैसे इतना सुंदर लग रहा है, वो सब मैं कॉपी करता था। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है मुझे आज ये सुनकर कि इतना बड़ा फैन मेरा और इतने चाहने वाले बच्चे के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो मैं रेगुलर में जो ढोलक बजाता हूँ वो ढोलक उसको गिफ्ट करूँ। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और मैं तो ये चाहूंगा कि पवन का शो हो बड़ा और उसमें मैं ढोलक बजाने जाऊँ। मेरा सौभाग्य होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस ढोलक से जितना तुम अपने गायकी में नाम कर रहे हो उतना ढोलक में भी तुम्हारा नाम हो। गुरुजी यार, क्या बात है दादा, इनक्रेडिबल।